दोस्तों आज आपको बड़ी काम की बात बताऊंगा। रिफर्बिश फ़ोन जब आप ख़रीद लेते हो ना, तो आप कैसे पहचानोगे कि उसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर लोकल है? तो ऐसे ही एक सेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको एक लॉजिक मिल जाएगा। ओनर वालों ने काफ़ी अच्छा इसमें प्रोग्रेस दिखाई अपनी। ओनर का सेट है, इसमें पहचानेंगे कि ये डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर लोकल। अब देखिए, पहचानने का तरीका मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ जो शायद ही इंटरनेट पर आपने कहीं देखा हो, ये मेरी पर्सनल इन्वेंशन है। देखिए, आप जो भी कोई फ़ोन अगर ख़रीद लो, रिफर्बिश फ़ोन जैसे किसी साइट से ख़रीद लेते हैं, तो एक हफ़्ता उसको रिटर्न करने में ऑप्शन होता है ना, एक हफ्ते का रिटर्न करने का। तो आप इस तरीके से चेक करके पता कर सकते हो कि उसकी डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर लोकल है। ये ओनर प्ले है, ठीक है। इसमें मैं आपको इसकी डिस्प्ले चेक करना बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले फ़ोन को स्विच ऑफ कर लीजिए। पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसका टच वगैरह सब कुछ काम करेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से भी। लाइट वगैरह भी कम ज़्यादा आराम से हो जाएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिस्प्ले इसकी ओरिजिनल है। मैं आपको अभी इसकी टेस्टिंग बताऊंगा। दुकान वाले जो साइंटिस्ट लोग देखते हैं ना मेरी वीडियो और मुझे कुछ गलत गलत कहते हैं, भाई वो भी देख लेना, उनके भी काम आ जाएगी वीडियो। सारा टच काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से भी। टू जेड वर्क करेगा भाई साहब, ए टू जेड, कहीं भी कुछ भी नहीं फंसेगा। अब ये पता कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको सॉफ्टवेयर के तरीके से बताता हूँ। इसको स्विच ऑफ कर लेना है, कर लिया हमने। अब इसके बाद इसको रिकवरी मोड में लाएंगे। रिकवरी मोड, इस वॉल्यूम अप और पावर बटन दोनों को एक साथ दबा के रखना है। वाइब्रेट की आवाज़ आएगी, जाने दो। लाइट आएगी ना तो पावर बटन छोड़ देना। अब पावर बटन छोड़ दो, ये वॉल्यूम बटन दबा रहेगा। अब ये रिकवरी मोड में आएगा मोबाइल, ठीक है। ये ओनर वालों ने किया, मैं तो कह रहा हूँ सारी कंपनी वालों को ये सीन कर देना चाहिए अपने मोबाइल के फ़ोन के साथ। और अगर सारी कंपनी वालों को करना चाहिए तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता देना। अच्छा तरीका बताऊँगा आपको डिस्प्ले चेक करने का। अब इसमें है ना, यहाँ पर ये टच काम नहीं करेगा। ओरिजिनल अगर फोल्डर होगा इसमें तो वो काम करेगा। अब देखो, इसको नीचे कर रहा हूँ, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, यहाँ कुछ भी काम नहीं करेगा, मगर ये बटन के द्वारा काम करेगा। अब देखो यहाँ पर है ना, येस लिखना है, ये बोल रहा है इंटर द वर्ड येस देन टच द बटन बिलो। मतलब ये पूरी कहानी ये बता रहा है कि येस लिख दो यहाँ पर, उसके बाद आप वाइप डाटा फैक्ट्री पे आओ, ये पावर वाला बटन दबा दो या फिर वाइप डाटा फैक्ट्री पे टिक कर देना। मगर ये देखो यहाँ पर मैंने वाइप डाटा फैक्ट्री पे ला के पावर बटन से टिक कर लिया। अब यहाँ पे मुझे येस लिखना है। अब येस लिखने के लिए कीबोर्ड तो खुल रखा, मगर भाई साहब येस नहीं लिख सकते इसमें। ये होती है पहचान इसकी लोकल डिस्प्ले की। अब चाहे आपको कितनी कसम खा के कोई बंदा सेकेंड हैंड फ़ोन बेचे कि भाई इसकी डिस्प्ले चेंज नहीं है, ओरिजिनल डिस्प्ले है, तो भाई मानना मत, कह देना बिट्टू भाई की वीडियो देख रखी मैंने, तो इस पे येस लिखना होता है। ओरिजिनल डिस्प्ले जो होती है ना, उसमें वाइप डाटा फैक्ट्री करते वक्त है ना, येस लिखेंगे, येस आराम से लिखा जाएगा उस पे, ठीक है। यहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा, कभी सोचो बिट्टू भाई कोई कहानियाँ बना रहा। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है रिपेयरिंग का। इसमें येस लिख कर जब मैं ओके करूँगा तो फैक्ट्री डाटा हो जाएगा, मतलब फिर फॉर्मेट होगा। ये ओनर वालों ने बहुत अच्छा सिस्टम दिया कि कोई बंदा फॉर्मेट नहीं मार सकता अगर लोकल डिस्प्ले डली हो तो। इसमें समझ में आ गया होगा आपके। अब इसको वापस हम रिबूट कर लेंगे बटनों के द्वारा ही, ठीक है। इसको मैनुअली हम रिबूट सिस्टम नाउ कर लेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है इसको इसके डिस्प्ले पहचानने का। ये काम अगर वीवो वाले भी कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा, ये काम ओप्पो वाले भी कर दें तो भी बहुत अच्छा लगेगा, सैमसंग वाले भी ये काम कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। कंपनी वालों को चाहिए कि रिकवरी मोड में डालने के बाद है ना, पता चल जाना चाहिए कि डिस्प्ले ओरिजिनल है या फिर लोकल है। अब देखो, अब इसकी टच पूरी काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब जहाँ से कहोगे वहाँ से काम कर जाएगी। ये देखो इस तरीके से ये सारे काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरा ख्याल है आप ये चीज़ समझ गए होंगे। रिफर्बिश फ़ोन ख़रीदते वक्त सावधान रहिएगा, इस तरीके से चेक कर लेना। अगर टच काम ना करे रिकवरी मोड में तो समझ जाना कि ओरिजिनल फोल्डर नहीं है, लोकल फोल्डर है, वापस दे देना, फ़ोन को रिटर्न कर देना। काफ़ी लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, ख़रीद लेते हैं उसके बाद पछताते हैं कि यार काश कोई बता देता हमें डिस्प्ले चेक करने का तरीका। तो आपके बिट्टू भाई ने बता दिया है। चैनल पर नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करना ताकि और लोगों के भी पैसे बचें। बहुत से लोग लूटने से बच जाएंगे रिफर्बिश फ़ोन खरीदते वक्त, या फिर आप सेकंड हैंड किसी से मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हो तो भी बच जाओगे ना। आजकल सेकंड हैंड फ़ोन बेच देते हैं झूठ बोल के भाई सब कुछ ओरिजिनल पार्ट है, एक भी चीज़ चेंज नहीं है। तो इस तरीके से चेक कर लेना, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। और भी फ़ोन के बारे में मैं आपको बताता रहूँगा, जुड़े रहिएगा चैनल से। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।